बेटा बेटा उठ जाओ बेटा, स्कूल भी जाना है आपको। जल्दी से उठो, मैं आपके लिए खाना बना रही और टिफ़न पैक करती, आपको स्कूल जाना है। जल्दी से उठो, मुंह हाथ धुलो और फिर स्कूल जाओ। स्कूल क्या बोल रहे? हम स्कूल नहीं जा रहे। क्यों? मन नहीं कर रहा? कैसे नहीं कर रहा मन? ये भी है आपको पता कि आपके प्राइवेट स्कूल में हमने कितनी फीस दे रखी? इतनी फीस दे रखी हमने। अगर नहीं पढ़ना था तो हम गांव के स्कूल में डाल देते आपको, वो सरकारी स्कूल, वहाँ अनपढ़ गंवार बन के फिरते आप। गांव के बच्चे क्या होते हैं, उनको पढ़ना आता ही नहीं। बोल रही ना, जल्दी से तैयार हो और स्कूल जाओ, जल्दी से जाओ। नहीं पढ़ना था तो गांव ही में रहते। बेकार में आई हम तुम्हारे चक्करों में, गांव से यहाँ शहर, वो भी मटक मटक के। गांव वाले क्या बोलेंगे? उस टाइम तो खूब गए मटक मटक के कि हम अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए शहर जा रहे, और बच्चों के ये हाल हैं। अब परसों ही बोर्ड के एग्जाम आएंगे, अगर फेल हुआ ना यहाँ भी मत रहना, मैंने बता दिया। जल्दी से स्कूल जाओ, बोल रही ना मैं, जल्दी से स्कूल जाओ, इसीलिए प्राइवेट स्कूल में डाल रखा तुम्हें, ठीक है? जल्दी से जाओ। अला रे नाना, फटाफट उठवल बिस्तर बिठवाओ, तकुन झाड़ू बार या कुन काम कर लो तक कुछ, ते के बाद मुख हाथ धो तब स्कूल जा, ठीक छी? आ स्कूल भी आए आवाज पानी भरी बना दुए मुँह फेरी और हो जो काम जिन गौर पुना सब काम करी, और ते के बाद रात में खाणु बने तब किताब पढ़ी, ठीक छी? मन पर लिए बोलती रह। अब परसों ये बोल्ड और वो छिन बोल्ड में क्या लो खाण तो इमेल यो खान के मेरे मम्मी मेरे से काम करवा रही। किताब भी पूरी पढ़ी और फर्स्ट आई हूँ चैनो बोल्ड में, मैंने पल्ली बोलती थे, ठीक छे? ता वजह से हम तो सरकारी स्कूल में दौर हूँ। अब भेरा क्या बोला, गाँव का लोग गवार होने वाला, जो सरकारी स्कूल में पढ़ता सिर्फ गवार होने वाला, तो पास हुए दिखे, ठीक छे? और उसको भी फर्स्ट डिवीजन से, मन पल्ली बोलती थे, ठीक छे? तो ये को पार्ट टू ना, वो ओलू, ठीक छो दगड़ियो, ठीक छो, तो बाय।